This weekend's most awaited Mr. and Mrs. Mahi is out now. Will Janhvi Kapoor and Rajkumar Rao impress the audience? Will this entire cast including Soa Ali Khan, Kunal Khemu and Neha Dhupia win big hearts? Well, we ask the moviegoers. Movie to awesome hai. Ye Rajkumar ji Rao ki movie hai to awesome hi hogi. See, Rajkumar is a very fantastic actor. Right from the Newton time, I have been a fan of him. But when compared to all other, last to last week Srikanth, when I compare all those things, he has done a very under par performance. मूवी बहुत अच्छी थी यार, बहुत इंस्पायरिंग, मज़ा आ गया देख के. एंड जो टू मेन कैरेक्टर्स थे कास्टिंग, आई रियली एंजॉयड. फिल्म एवरेज है, काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि राजकुमार राव की इसके पहले जो फिल्म श्रीकांत आई उसमें उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय भी किया था, कहानी भी अच्छी थी. बहुत ही बढ़िया मूवी है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है सबके लिए. जो क्रिकेट जो लोग बोलते हैं वुमेन कांट प्ले क्रिकेट, उन लोग के लिए ये मूवी मस्ट वॉच है बिकॉज क्रिकेट इज ऑल अबाउट पैशन, नॉट अबाउट द जेंडर. क्रिकेट में तो भी हमने IPL 2020 देखा, आदमी यहाँ क्रिकेट देखनी नहीं है, पूरी पिक्चर में क्रिकेट और प्रैक्टिस ही चल रही है, फिल्म में कुछ है ही नहीं, कहानी नहीं बिल्कुल नहीं. मुझे तो पिक्चर अच्छी लगी और पिक्चर में इमोशंस बहुत है, अच्छी है मूवी. मूवी मुझे वन टाइम वॉच लगी. मुझे लगता है कि मिस्टर मिसेस माही जो मूवी है बहुत ही इंस्पायरिंग है और इसलिए वन टाइम वॉच है, बहुत ही मोटिवेटिंग मूवी है. स्टार कास्ट तो दोनों बहुत अच्छे हैं, जाह्नवी कपूर ने भी बहुत अच्छा किया है, राजकुमार राव तो बेहतरीन एक्टर है ही है. बाकी मेरा मानना है कि कलाकार कितने भी अच्छा क्यों, अगर कहानी आपके पास में नहीं, स्क्रीन प्ले नहीं है तो बेचारा जान भी डाल देगा तो कुछ नहीं होगा. फिल्म में मतलब मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा दोनों की केमिस्ट्री. जो दोनों की केमिस्ट्री है ना वो बहुत अच्छी है, जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों की वो टूट मतलब काफ़ी अच्छी है. स्पोर्ट्स ड्रामा विल डेफिनेटली हैव एक्साइटिंग थिंग्स बट इन दिस मूवी इट इज़ लैकिंग बिग टाइम. अब चक दे में एक्साइटिंग मोमेंट्स होती है, भाग मिल्खा भाग में एक्साइटिंग मोमेंट्स होती है, तमिल में साउथ में एक मूवी आई थी कना करके, सेम बेस्ड ऑन क्रिकेटिंग, देर आर एक्साइटिंग मोमेंट्स, इन दिस देर आर नो एक्साइटिंग मोमेंट्स. बस देखिए मजा आया एंड वेरी सो आई वुड से एनीवन हुज इनटू क्रिकेट शुड कम एंड वॉच द मूवी. राजकुमार राव बहुत अंडररेटेड एक्टर है एंड ही डिजर्व्स मोर रिकग्निशन. ये मूवी उनको ये रिकग्निशन आई गेस देगी. एंड जाह्नवी कपूर हैज ऑल्सो प्लेड अ ब्रिलियंट रोल इन द मूवी. उनने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया अपना. परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा है, राजकुमार राव नो डाउट एक्टर है तो उनमें कोई कमी तो है नहीं. नॉर्मल आदमी का बिहेव क्या होता है, क्या क्या सिचुएशन में, वो एकदम रूबरू लगता है. एक औरत जो डॉक्टर बन जाती है क्योंकि वो मेरिट स्टूडेंट है बट वो असलियत में एक क्रिकेटर बनना चाहती हैं, तो वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है. वाओ वाला कोई फैक्टर नहीं है, वो राजस्थान के हो गए समझ में ही नहीं आया, ना तो राजस्थान का कल्चर है, ना टेक्सचर है, ना लोकेशन है, ना खान पान है, ना रीति रिवाज है. वो जयपुर जाने की जरूरत ही नहीं थी, बॉम्बे में शूट कर सकते थे. देखना चाहिए मूवी, एक अच्छा मैसेज मिलता है उससे, खासकर एक हस्बैंड वाइफ का जो मैसेज है ना काफ़ी अच्छा मैसेज है उसमें, तो खासकर कपल्स को तो देखना चाहिए ये मूवी. एवरेज वन टाइम वॉचेबल, दैट्स इट. डायरेक्शन बहुत अच्छा था, स्क्रीन प्ले वॉज अमेजिंग. वो सेकेंड हाफ में जो इंटेंसिटी थी मूवी की, आई मीन वी वर ऑन द एज ऑफ आवर सीट, सो इट वाज वेरी गुड टू सी. ऐसा लग रहा था कि वी वर पार्ट ऑफ द मूवी. So end mein obviously goosebumps, it was very fun to watch. The storytelling was perfect, the direction was perfect, casting sab kafi acha tha. Aisa nahi ke matlab he's missed out on something, pura story perfectly samjhaya hai. Cricket ko shaukeen jisko hai usko ye picture dekhni chahiye. Uska ek karan hai ki jo romance khada hota hai ball aur wicket aur ginne mein, wo isme direction ne, director ne wo romance khada kiya. 10 में से 10. 1.5. 4 out of 5. 4.5. Out of 5 मेरे हिसाब से 3.5 स्टार दूंगा मैं. सेकंड हाफ बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, तो आई विल गो विद 3 स्टार्स.